नमस्कार, मैं हूँ रश्मि शर्मा। और मैं सुमित झा। जी मीडिया की तरफ से हम आप सबका एजुकेशन समिट 2016 में स्वागत करते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि शिक्षा जगत की तमाम बड़ी हस्तियाँ आज हमारे बीच मौजूद हैं। कहते हैं किसी भी विकसित समाज की कल्पना बिना शिक्षा के नहीं की जा सकती। शिक्षा किसी भी देश या राज्य के वर्तमान को दर्शाती है और हमारा बिहार भी इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल रश्मि, और आगाज अगर बेहतर हो तो अंजाम भी बेहतर होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के लिए राह आसान नहीं है, लेकिन बिहार इस राह पर चलकर ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है। एजुकेशन समिट 2016 के मुख्य अतिथि बिहार के शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो हमारे मुख्य मेहमान का। स्वागत है आपका माननीय शिक्षा मंत्री जी। हम माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी से निवेदन करेंगे कि वो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। हम चाहेंगे हमारे चैनल हेड श्री अनुभव खंडूरी डॉक्टर अशोक चौधरी को मंच तक लेकर आए। ये मंच पर बुलाना चाहेंगे पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन सिन्हा साहब को। आप भी मंच पर आए और दीप प्रज्वलन का हिस्सा बने। साथ ही मंच पर बुलाना चाहेंगे हम जी पुरवैया के सेल्स हेड प्रतीप सिन्हा को। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जी मीडिया के दर्शकों की संख्या 15 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क जी मीडिया को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका अपना मोर टीवी अब बदल रहा है। जी हाँ, तेवर वही लेकिन अंदाज नया। अब आपका अपना मोर टीवी हो गया है जी पुरवैया। हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी से कि वो जी पुरवैया के लोगों को अनवील करें। वक्त की पहचान होती है खबरें, खबरों से पहचान हम कराते हैं। मुश्किल में है लोग, बेपरवाह है तंत्र, सरकार का सरोकार से सामना हम कराते हैं। रफ्तार से बदल रही है दुनिया, बदलती दुनिया से वास्ता हम कराते हैं। बिहार झारखंड हर घटनाक्रम, सच से झूठ का राजभास हम कराते हैं। सरकार हो, समाज का सरकार हो या सियासी तकरार, बहस के दायरे में लाकर खबरदार हम कराते हैं। खेल, सिनेमा और रंगमंच के हर रंग और रौनक, आपकी उम्मीदों से आपकी गुफ्तगू हम कराते हैं। देखते रहिए जी पुरवैया। हम उठाते हैं आपके हक की आवाज। सुरक्षित रहें आप, सुरक्षित रहे समाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। हमारा मकसद है आपकी आवाज को मंजिल तक पहुंचाना। आज की पीढ़ी की सोच से हम आपको रूबरू कराते हैं। यू आर वॉचिंग योर ओन शो ज़ेनिक्स। राजनीति के हर सवाल का मिलेगा जवाब। बचपन से ही पॉलिटिकली हम काफी अवेयर थे। राजनीति की हर चाल का पर्दाफाश।
गरीब, आदिवासी, दलित, हर खबर की तह तक। आप तमाम सियासतदान तय करेंगे कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोह। खबरों का नया सुपर फास्ट अंदाज। प्रभु ने कल 2016-17 का रेल बजट पेश किया। आपने भरोसा किया, हमने उसे पूरा किया। आपका अपना मौर्य टीम, झारखंड की हर खबर हम रखते हैं पैनी नजर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर, गुना के हर राज का पर्दाफाश। बात चाहे जल की हो, जंगल या फिर जमीन। नए तेवर, नए कलेवर के साथ अब है सी पुरवैया। ये आपका चैनल मौर्य टीवी अब हो गया है जी पुरवैया, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि आपके सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे मुख्य कार्यक्रम एजुकेशन समिट 2016 की तरफ। अतीत की भव्यता की निशानी है, वो जगह है जहां शिक्षा के जरिए संस्कार हासिल करना सबसे बड़ा मकसद था। वक्त ने इस संस्थान की नींव को हिलाने की कोशिश की, बावजूद इसके जो अवशेष बचे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। वक्त बदला, इतिहास की परछाई लंबी होती चली गई और मान लिया गया कि सूर्य अस्त हो गया है, लेकिन बिहार में अभी दम बाकी था। ईस्ट ऑफ कैम्ब्रिज के नाम से मशहूर पटना विश्वविद्यालय ने शिक्षा का झंडा हमेशा फहराए रखा और इसमें उन छात्रों ने पूरा योगदान दिया जिनमें तालीम हासिल करने की ललक थी। वक्त आगे बढ़ा और आधुनिक बिहार में शिक्षा के नक्शे पर नवोदित संस्थानों ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। बिहार की बुद्धि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप किसी भी बड़ी परीक्षा के टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट देख लीजिए, बिहार के छात्रों के बिना वो कभी पूरी नहीं होती। ये अपने साथियों की सफलता से मिलने वाली प्रेरणा ही है कि वो प्रतिभा जो बिहार से बाहर जाना ही किस्मत समझने लगी थी, उसे बिहार में एक बार फिर उम्मीद की नई रोशनी नजर आने लगी। उसे लगने लगा कि पेंसिल से लेकर कंप्यूटर तक के सफर में पलायन करना जरूरी नहीं है। वैसे भी इतिहास वर्तमान तो नहीं बन सकता, लेकिन प्रयत्न और दूरदर्शिता का सही तालमेल हो तो भविष्य स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा जरूर बन सकता है। जी हाँ, एजुकेशन समिट 2016 का मकसद है बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में नई मंजिल के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करना और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की अलग पहचान बनाना। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की दशा और दिशा पर चर्चा की शुरुआत करें। हमारा टॉपिक है एजुकेशन इन बिहार, द रोड अहेड। कहते हैं किसी भी भविष्य को बनाने में अतीत का अहम योगदान होता है। बिहार का गौरवशाली इतिहास बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी एक अलग पहचान रही है, लेकिन आज चुनौतियां कई हैं। खासतौर पर बात जब बिहार बोर्ड की परीक्षा की होती है तो चंद तस्वीरें हैं जो हमें परेशान करती हैं। हमारे मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री जी, आप क्या मानते हैं, आज शिक्षा के क्षेत्र में क्या चुनौती आपकी नज़र में है? बिहार में
शिक्षा की जो स्थिति है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, मैं मानता हूँ कि हम अप टू द मार्क नहीं हैं, लेकिन राज्य सरकार की का जो इंटेंशन रहा है, क्योंकि अगर पूरे देश में बिहार को बजट एलोकेशंस का देखिएगा प्रोविज़न, तो हम सब समझते हैं कि बिहार हिंदुस्तान में टॉप 5 स्टेट्स में है जहाँ पर बजट का एलोकेशन होता है। करीब करीब हम बिहार के बजट का 24-25% पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं। तो राज्य सरकार का इंटेंशन इससे क्लियर होता है कि शिक्षा इज़ अ बिग प्रायोरिटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट, बट जो शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए उसमें हम नीचे से 5 नंबर पर हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करें। ये एक बड़ी चुनौती है। लास्ट ईयर मैट्रिक की परीक्षाओं में जिस तरह से कदाचार हुए और जिस तरह से बिहार की छवि देश और विदेश में धूमिल हुआ, उसे एक बड़ा नकारात्मक एक चित्र बिहार के बारे में बाहर में देश और विदेश में गया था। इसलिए इस बार सरकार ने जो इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो रही हैं उसको पूरी तरह से नकेल कसने का प्रयास किया है। मैं चाहूँगा कि बारी बारी से हमारे जो स्टीम्ड पैनलिस्ट हैं अपना व्यू रखें। शिक्षा के क्षेत्र में नई चुनौतियां आप क्या देख रहे हैं, और जो मंत्री जी ने कहा कि बदलाव की एक बयार बह चुकी है, तस्वीर हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर अभी और क्या है जिसे बदलने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे कि अभी मंत्री जी ने कहा कि हमारे देश, हमारे राज्य में जो है और हमारे देश में भी शिक्षा को लेकर नई नई चुनौतियाँ बराबर उभर रही हैं और नित नए परिवर्तन हो रहे हैं, बट सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम लोग शिक्षा को सिर्फ एक सरकारीकरण या राजनीतिकरण से ही जोड़ के देखते हैं। चाहे हमारे विश्वविद्यालय हों, चाहे हमारे स्कूल हों, वहाँ पर शिक्षा का हम लोग सिर्फ अभी तक यही सोचते हैं कि सरकार क्या पहल कर रही है और इसमें क्या क्या बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं एक वो इलिटरेट माँ देती है। शिक्षा है क्या? सबसे पहले हमें इसके ऊपर एक दृष्टि डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा क्या सिर्फ लिटरेसी है या शिक्षा एजुकेशन है? बिकॉज अगर हम लोग डिग्रियों की बात करते हैं और उसको नौकरियों से जोड़ते हैं तब तो हम लोग को अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बट अगर हम लोग शिक्षा को जो है वो एजुकेशन से जोड़ते हैं तो वो अनपढ़ गवार माँ भी हमारी जो है वो अपने बच्चे को शिक्षित करके माँ बोलना सिखाती है और उसको वो मदर टंग और वो वैल्यू सिस्टम्स देती है जिससे कि एक बच्चा आज बहुत आगे चल के समाज में बदलाव ला सकता है। जहाँ तक मेरी समझ है और मैं इतिहास में जाता हूँ बिहार के, तो ये पाता हूँ कि शिक्षा एक जमाने में सामंतियों के चौखट की गुलाम बन गई थी बिहार में, और वही लोग शिक्षित हो पाते थे या अपने बच्चों को शिक्षा दे पाते थे जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास ताकत है। लेकिन धीरे 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 गरीबों में भी एक भावना आई है। पहले मैं जाता था जहाँ तहाँ, और बहुत 20 साल पहले दिल्ली गया, कोई ड्राइवर से मिला तो बेचारा बिहारी ड्राइवर अपनी साहब की बहुत खिदमतदारी कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा खिदमतदारी कर रहा है। मैं पूछता था कि क्यों इतनी सेवा कर रहे हो, तो जानते हैं सर, जब मैं तो अपनी ज़िंदगी जी लिया, मेरा बेटा भी बड़ा होगा तो साहब के बेटे का ड्राइवर बनेगा। लेकिन अब उसमें भी एक भावना जागी है। अब का ड्राइवर बोलता है कि मैं अपनी आखिरी एक कट्ठा जमीन भी बेच दूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा और इस साहब से भी बड़ा साहब बनाऊंगा। ये मैं देखता था। बिल्कुल सर, हम यानी सही दिशा में हैं, सही रास्ते पर हैं सर। अब बोलिए सर आप। हेलो। शिक्षा में बदलाव के लिए ये ज़रूरी है कि हम सब जो यहाँ प्रेजेंट हैं अपने स्तर पर सोचें कि घर में अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं। सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल नहीं होना चाहिए, शुरुआत जो होता है अपने बच्चों का। दूसरी चीज़, जब इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो टीचर को अपने स्टूडेंट से दूरियाँ कम करनी चाहिए। आप अपने बच्चों को अपने बच्चों की तरह, अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह समझें, उसको नज़दीक लाएं, उसको उसकी मन की जो तक दिक्कतें होती है उसको पढ़ाई में, उसको अगर समझते हैं, उसको दूर करने की अगर कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये शिक्षा में काफ़ी बदलाव होगा। राज्य सरकार कोशिश कर रही है और एक गार्जियन को भी इसमें साथ देना होगा। आप भी अपनी बात रखें। और मेरे ख्याल से शिक्षा के व्यवसायीकरण जो एक बड़ा मुद्दा, यहाँ तमाम मेहमान भी यही कह रहे हैं कि व्यवसायीकरण होने की वजह से बहुत करप्शन आप कह सकते हैं इसे, या कई ऐसी तस्वीरें हमें आपको देखने को मिल रही, क्या आप मानते हैं कि एक व्यवसायीकरण एक बड़ी वजह है शिक्षा का व्यवसायीकरण लगातार होना?
कि शिक्षा के सुधार के लिए सबसे ज़रूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी एजुकेटर चाहिए। क्वालिटी एजुकेटर विश्वविद्यालय से पैदा होते हैं, स्कूल से नहीं पैदा होते हैं। स्कूल में फाउंडेशन पड़ता है बच्चों का, स्कूली शिक्षा बहुत ज़रूरी है कि कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पड़ा है उसका। और मैं तो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से पढ़ करके आया हूँ। मैं अपने आज 50 साल पहले जब देखता हूँ तो हमारे गांव में जो स्कूल था बिल्कुल मिट्टी का एक कमरा था, बड़ा सा फूस से छाया हुआ था, गोबर से हम नीपते थे उसको और ज़मीन पर बैठकर पढ़ते थे। एक टीचर थे जो कि बच्चा क्लास से लेकर तीसरा क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते थे। और आज भी मुझे दावे से मैं कह सकता हूँ कि वो 40 तक का पहाड़ा और छवैया ढैया सारा याद है। उन्होंने ही पढ़ाया था, उनकी क्या थी क्वालिफिकेशन ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो एक ही टीचर थे। आज उसी स्कूल में बिल्डिंग बन गया है, कई शिक्षक आ गए हैं, लेकिन शिक्षा का कहीं क्वालिटी नहीं दिखता है मुझे उस गांव में। दूसरी बात, मैं अगर हायर एजुकेशन की बात करूं, व्यवसायीकरण तो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि हायर एजुकेशन में जिस तरह से भी गिरावट हुआ है तो स्वाभाविक है कि वो क्वालिटी एजुकेटर नहीं दे पा रहा है। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में न पटना साइंस कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी जो दिखाया गया अभी आपके द्वारा, शिक्षकों के लिए जाना जाता था, छात्रों के लिए जाना जाता था। बिल्डिंग तो आज भी वही है जो कल थे। क्वालिटी एजुकेशन, आपने क्वालिटी एजुकेटर नकल रोकने की कोशिश की और हम देख भी रहे हैं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में, और ये कोशिश कामयाब भी हो रही है। हमारे पास जो खबरें पिछले साल आई थी, जो तस्वीरें हमारे पास आई थी, जो हम दिखाते थे, वो इस बार हमें दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, और अच्छी बात है ये। लेकिन इससे रिजल्ट पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। जो फीसदी रिजल्ट की थी वो ज़ाहिर वो कम होगी, और ये तभी आप बढ़ा सकते हैं जब क्वालिटी एजुकेशन हो। शिक्षक हैं लेकिन आप भी तस्वीर कई बार देखते हैं, हम आप रिपोर्ट हमने कई बार दिखाई कि शिक्षकों को ABCD की जानकारी नहीं, बुनियादी शिक्षा की जानकारी नहीं, एक चुनौती है। ये बात सत्य है कि जो हमारे नियोजित शिक्षक आए थे, बहाल किए गए थे, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो हम इस प्रदेश में टीचर्स ट्रेनिंग के स्कीम्स को ला रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग के स्कीम्स को शुरू कर रहे हैं। टीचर्स को किस तरह से हम एजुकेट कर सकें, किस तरह से हम उनका गुणवत्ता बढ़ा सकें, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम समझते हैं इस सत्र से हम उस पर काफ़ी, राज्य सरकार उस पर काफ़ी इंफेसाइज कर रही है, और उसका हम समझते हैं 1-2 साल में उसका इफेक्ट आना शुरू होगा। जहाँ तक सर कह रहे हैं कि MA के बाद, क्योंकि UGC से हम गाइड होते हैं, भारत सरकार ये नियम कानून बनाती है, और उस समय जब सर अपॉइंट हुए होंगे, प्रोफेसर में MA फ्रेश MA लिया जाता होगा, तो उस समय संख्याएं कम थी, सीटें कम थी, पॉपुलेशन इतना नहीं था। अब है कि हमारे पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर गए हैं। जो हमारे MA करने के जिस समय सर किए थे MA, उस समय अगर 100 लोग MA करते थे तो आज 1000 लोग MA कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने हायर एजुकेशन के साथ साथ MA के साथ PhD का नॉर्म्स जोड़ा, उसके बाद अब नेट भी जोड़ा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड लोगों को ले सकें। तो इसलिए, लेकिन ये बात सत्य है कि राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से प्रोफेसर्स लेक्चरर्स में अपॉइंटमेंट्स जो था वो हमारा नहीं हो पाया था, जिसको राज्य सरकार ने इनिशिएट किया है, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हमारी बहालियां शुरू हुई है। और हम समझते हैं कि जो बहालियां हो रही हैं उनका क्वालिटी मेंटेन किया जा रहा है। मैथ्स और इंग्लिश में हम लोगों ने कुछ किया है, और भी सब्जेक्ट्स में हम लोग करने जा रहे हैं। तो किस तरह से टीचर्स की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब है कि राइट ऑफ एजुकेशन के बाद शिक्षकों की बहाली का पूरा जो प्रोसेस है वो आप पंचायती राज व्यवस्था को दे चुके हैं, तो वहाँ भी एक है। अब पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि राज्य सरकार वहाँ पर अपना, राज्य सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, स्टेट लेवल पर हम अपॉइंटमेंट्स करते नहीं हैं, वैकेंसीज निकलती है, हम पंचायत को देते हैं, जिला परिषद को देते हैं, हम नगर परिषद को देते हैं, वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं, नॉर्म्स हम फिक्स करते हैं, तो वहाँ भी कुछ त्रुटियाँ होती हैं। लेकिन इसको और हम किस तरह से बांध सके, इस पर भी राज्य सरकार वर्कआउट कर रही है। हम समझते हैं कि भविष्य में इसमें सुधार होगा। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, और ये कहा गया है। तो यहाँ पर मौजूद मेहमान जो अब तक हमें सुन रहे थे, हम जोड़ना चाहेंगे अपने मेहमानों को भी इस चर्चा में, और ख़ासतौर पर हमारे बीच जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, छात्र छात्रा मौजूद हैं, जो सूबे के भविष्य हैं, उन्हें हम जोड़ना चाहेंगे। बारी बारी से आप अपना हाथ उठाएं और सवाल पूछ सकते हैं हमारे स्टीम पैनलिस्ट से और माननीय मेहमान से। जी, माइक उनके पास पहुंचना चाहिए। आपने नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ईशान इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। जी, मैंने यहाँ पे सबकी बातें सुनी,
और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो शायद मैं उतने अच्छे से नहीं बोल पाऊँगी जितने अच्छे से ये लोग सोच सकते हैं, क्योंकि ये लोग उस जगह पे हैं जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं, मैं कंज्यूम कर रही हूँ। तो फिर भी मैंने एक न्यूज़ देखी थी कुछ टाइम पहले, जहाँ पे एक 10 साल का बच्चा हमारे चीफ मिनिस्टर से कहता है कि उसे एक बहुत अजीब सिचुएशन दिखाई देती है जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था दो भागों में बटी हुई है, एक प्राइवेट स्कूल की, एक गवर्नमेंट स्कूल की। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की इतनी डिफरेंसेस उसे क्यों फील हुई? ये उसे कैसे महसूस हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल वाले गरीब लोग पढ़ रहे हैं और प्राइवेट में अमीर? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसे। तो क्यों नहीं मिल रही है? गवर्नमेंट फंड अप्लाई करती है आप लोगों को, हर चीज़ मिलता है। मैं भी एक गाँव में रही हूँ, वहाँ पर भी एक वहाँ पर भी एक स्कूल है जो बहुत आंगनबाड़ी टाइप का, लेकिन वहाँ पर भी टीचर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, पर शायद अभी तक वो एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होती है। शिक्षा व्यवस्था दो भागों में बटी हुई है, बहुत गंभीर सवाल है, बहुत अहम सवाल, बैठ जाइए आप। मैं चाहूँगा मंत्री जी आप जवाब दें, फिर कुछ और लोग। ये बात सत्य है कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क है। अगर आप देखिएगा राज्य सरकार के पास, तो राज्य सरकार के पास अभी जो पिछले 3-4 वर्षों में राज्य सरकार ने अपनी प्रायोरिटी फिक्स की थी, वो मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए उन्होंने प्रायोरिटी बनाया था, और हमने करीब करीब सभी पंचायतों में प्राइमरी लेवल के स्कूल को स्थापित करने का प्रयास किया है और स्कूलों में शिक्षक देने का प्रयास किया है। राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षा के मामले माध्यम से इस प्रदेश में 3.5 लाख टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया। हमारे पास अभी पूरे बिहार में लगभग 4.5 लाख टीचर्स हैं। तो हम जो क्वालिटी दूसरे जो देते हैं उनका फीस स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट, और वो मॉनिटर करते हैं मात्र 2,000-3,000 बच्चों को। एजुकेशन था बड़े लोगों के घरों तक था, फिर जब आम लोगों के पास एजुकेशन आ गया तो फिर दो तरह का बंटवारा हो गया, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। एक बड़े बड़े मिशनरी के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जिसमें अभी भी वही वर्ग के बच्चे जा रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, और बेचारे गरीब बच्चे हिंदी मीडियम में जाते हैं, उनको हीन भावना आ जाती है, सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को एक उपाय बताना चाहेंगे, जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो पूरी पढ़ाई को मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पर कार्टून के कहानियों के जरिए बताते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो करेक्टर बनाए हुए हैं, एक रिक्की का जो कोट टाई सूट बूट पहने हुए है, इंग्लिश बोलता है, बाइक से चलता है, पिज्जा हॉट डॉग बर्गर खाता है, और एक करेक्टर है जो देहात का बच्चा है, टूटी चप्पल और फटी पैंट पहने हुए है, लेकिन वो सोचता ज़्यादा है, साइकिल से चलता है, दाल भात सब्जी कॉर्न खाता है, और दोनों के नोक झोंक में पढ़ाई होती है। जब कोई एक सवाल आता है तो सबसे पहले रिक्की बना के चला जाता है और भोलू का मजाक उड़ाता है कि यार तुम तो एक मामूली सरकारी स्कूल में पढ़े हो, तुम क्या इस सवाल को बना पाओगे, देखो पढ़ाई कैसे होती है, मैं तुरंत बना दिया। तब भोलू उसको ललकारता है कि देखो पढ़ाई पैसों से नहीं होती है, पढ़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होती है, पढ़ाई इच्छा शक्ति से होती है। जिस सवाल को तूने बनाया है उसी सवाल को मैं दूसरा सॉल्यूशन दे सकता हूं, उसी का मैं तीसरा सॉल्यूशन दे सकता हूं, चौथा, नजरिया बदलने की जरूरत होती है। कुछ और बच्चे अगर सवाल पूछना चाहें जल्दी से। जी गुड मॉर्निंग सर। सर अभी हम सब शिक्षाविदों को सुन रहे थे, यहाँ सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। मैं आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल से हूँ। सर मैं गांव से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, और मेरे फादर भी नियोजित शिक्षक ही हैं। मैं एक दिन गांव पे था, मतलब वो छुट्टी मिले थे विद्यालय में तो मैं गया था, तो वहाँ देखा कि पापा आए घर से, तो मैं उनको पूछा कि पापा आज क्या पढ़ाए आप स्कूल में, वो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं तो ब्लॉक में गया हुआ था, ब्लॉक का काम था। और फिर कुछ दिनों के बाद फिर मैं जब उनसे मिला तो वो फ़ोन करके मेरे से यहाँ पूछे कि बेटा तुम्हारा अपना आधार नंबर और ये सब अपने सब लोगों का लिखवा दो। मैंने बोला कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो वो एजुकेशनल ऑफिसर साहब ने बोला है इसकी काउंटिंग हो रही है। तो सर मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये टीचर्स को ऐसी ड्यूटीज़ क्यों दी जाती है, उनको तो पढ़ाने का काम दिया जाना चाहिए। बहुत अहम बात, बहुत बढ़िया बात कही सर, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, वेरी वैलिड सवाल। थैंक यू। सत्य है कि प्रदेश में जो शिक्षा पे लोग हैं उनको बराबर ये शिकायत मिलती है कि हम कभी जनसंख्या गिनने भेज देते हैं, कभी हम आधार कार्ड बनाने भेज देते हैं। हम लोगों ने प्रतिनियुक्तियाँ को रद्द किया है, अभी हम 5-7-10 दिन पहले ही प्रदेश में जितनी प्रतिनियुक्तियाँ हैं, प्रतिनियुक्ति पे हमारे शिक्षक थे, उन सबको हमने उन्होंने रद्द कराया है। ये एक बड़ा इनिशिएटिव राज्य सरकार ने लिया है कि जितने प्रतिनियुक्त जो टीचर्स थे जिनको पोस्ट किया गया था इधर उधर,
उन सब का हम लोगों ने प्रतिनियुक्तियां रद्द की है और ये हम लोग देख रहे हैं कि जो बहुत इमरजेंसी एसेंशियल हो, बहुत से बीडीओ ने अपने यहाँ पोस्ट करा लिया है, बहुत से सीईओ ने करा लिया है, उन सबको हम लोग एक चैलेंज के रूप में इसको हम लोग रद्द करा रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि इस आने वाले समय में जो इस तरह की जहाँ प्रतिनियुक्तियाँ हुई हैं उन सबको हम खत्म करें, कैसे कैसे हम धीरे धीरे इसको विड्रॉ करें और हम सिर्फ शिक्षा पर उनका ध्यान केंद्रित कराएं, उसके ऊपर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का। और जाहिर है ये खास और रोचक चर्चा हम आगे भी बढ़ा सकते थे लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।